हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम परफॉर्म करने वाले हैं एक टेस्ट को, और ये जो टेस्ट है हम करेंगे इन स्ट्रिप के माध्यम से। तो सबसे पहले समझ लीजिए ये स्ट्रिप है क्या चीज़। ये स्ट्रिप है लिटमस पेपर, ठीक है। ये रेड लिटमस पेपर है और ये है ब्लू लिटमस पेपर। अब ये जो लिटमस पेपर होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपको एसिडिक और बेसिक जो नेचर वाले सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में हमको इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम इनको इंडिकेटर भी कहते हैं। तो ये लीचेन से बनाए जाते हैं। तो देखिए ये जो लिटमस पेपर होते हैं, अगर हम देखें कोई अगर सब्सटेंस या कोई सॉल्यूशन अगर एसिडिक प्रॉपर्टी का है, तो वो जो होगा, अगर एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो जो एसिड होंगे ना वो क्या करेंगे, ब्लू जो लिटमस पेपर होगा उसको कैसे में कन्वर्ट कर देंगे, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब उसका कलर को वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ओके, अगर आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी का कोई सब्सटेंस या सॉल्यूशन है तो हम देखेंगे वो क्या करेंगे, जो आपका लाल जो लिटमस पेपर होगा, रेड लिटमस पेपर का, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में, ठीक है। तो चलिए ये जो टेस्ट है हम करेंगे लेमन जूस और खाने का जो सोडा है उनकी प्रॉपर्टी को मालूम करके, कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होती है या बेसिक होती है। अगर उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है, मान लो लेमन है उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक है, वैसे तो एसिडिक ही होती है। अगर एसिडिक प्रॉपर्टी है तो वो क्या करेंगे, आपके जो ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे, और जो बेस होगा वो आपका क्या करेगा, जैसे आपका खाने का सोडा उसकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है, तो वो जो आपका रेड लिटमस पेपर होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा होता है क्या, चलिए तो ये लिटमस पेपर की स्ट्रिप है, इन्हीं से हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। चलिए ओके स्टूडेंट, तो हम अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखिए आपको ब्लू लिटमस पेपर ये रहा और ये है रेड लिटमस पेपर। अब ये आपको लेमन का जूस लिया गया है, ये लेमन जूस है जिसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है, वैसे तो हमें पता है, इसलिए फिर भी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। और ये है आपका खाने का सोडा जिसमें मैंने थोड़ा सा वाटर को ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस टेस्ट को करके देखते हैं। तो देखिए ये है ब्लू लिटमस पेपर, तो आपको पता ही है कि जो एसिड होते हैं, जो लेमन का जूस है उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है, तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये रेड हो जाना चाहिए, कन्वर्ट किस में हो जाना चाहिए, रेड लिटमस पेपर में हो जाना चाहिए, मतलब इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो हम इसमें से एक स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप है। चलिए तो ये हमने क्या लिया, ये ब्लू लिटमस पेपर ले लिया है। अब हम इसमें डिप करते हैं इसको एसिड में, ओके। तो देखिए आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कैसा हो चुका है, वो रेड हो चुका है। तो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि जो आपके लेमन जूस है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिडिक होती है, मतलब वो एसिडिक है, मतलब वो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो एसिडिक है, ओके। तो ये ब्लू लिटमस पेपर था जो रेड में कन्वर्ट हो गया। अब ये बेस को भी हम देख लेते हैं, चलिए तो इसमें से हम एक स्ट्रिप लेते हैं जो कि रेड स्ट्रिप है। अब ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए ब्लू में, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, ये ठीक है। चलिए इसको डिप करते हैं इस बेस के अंदर, अब ये कैसा होना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए, देखो हो गया क्या, बिल्कुल हो चुका है। तो ये था आपका लिटमस पेपर टेस्ट जो आपके आंखों के सामने हमने किया है लाइव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको ये इंडिकेटर जो होते हैं वो आपको किसी सब्सटेंस या किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ओके। तो एक छोटा सा टेस्ट था जो हमने अभी परफॉर्म किया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।